हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नॉइज़ के बारे में जानेंगे कि नॉइज़ क्या होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज़ किस प्रकार अफेक्टेड करती है, या हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसमें नॉइज़ किस प्रकार डिस्टरबेंस क्रिएट करती है और किन किन कारणों से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज़ जनरेट हो सकती है और किस किस प्रकार की नॉइज़ होती है। तो उससे पहले, इस वीडियो से पहले हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में जाना था कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है और उसका ब्लॉक डायग्राम देखा था जिसमें उसके बेसिक एलिमेंट्स थे। उन बेसिक एलिमेंट्स में एक एलिमेंट्स था हमारा चैनल, जो कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम था। उस मीडियम के दौरान ही हमारे जो मैसेज सिग्नल है या ओरिजिनल सिग्नल है, उस सिग्नल में नॉइस क्रिएट हो जाती थी या नॉइस ऐड हो जाती थी, तो जिसके कारण जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था वो डिस्टॉर्टेड हो जाता था या करप्ट हो जाता था, या हम ये बोल सकते हैं कि उसमें अननेसेसरी या अनवांटेड सिग्नल उसमें ऐड हो जाते थे। तो ये किन कारणों से हमारे मैसेज ओरिजिनल सिग्नल में ऐड होते हैं और किन तरीके से हम उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉइज़ के बारे में देखेंगे कि नॉइज़ होता क्या है। नॉइज़ एक अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल सिग्नल होता है जो किसी भी वे में डिज़ायर सिग्नल कौन सा होगा, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल या जो भी हमारा मैसेज है वो मैसेज और इन्फॉर्मेशन को करप्ट या डिस्टॉर्टेड करता है। ठीक है, अनवांटेड सिग्नल का मीन्स ये है कि वह सिग्नल जो हमें नहीं चाहिए होता है हमारे ओरिजिनल सिग्नल में ऐड हो जाता है, और उस सिग्नल के साथ ऐड होने के साथ हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें डिस्टरबेंस को क्रिएट करता है या उस सिग्नल को डिस्टॉर्टेड कर देता है। ये अनवांटेड सिग्नल रैंडमली डिज़ायर सिग्नल के साथ ऐड हो जाते हैं, जिसके रिजल्टेंट ओरिजिनल सिग्नल में वन एंड से अनदर एंड ट्रांसमिशन में डिस्टरबेंस का कारण बनते हैं। नॉइज़ ट्रांसमिशन सिग्नल और मैसेज के साथ इंटरफेस कर उस सिग्नल की क्वालिटी को डिग्रेड करती है। मतलब जैसे ही हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है, उस ओरिजिनल सिग्नल में जैसे ही हमने उसे ट्रांसमिटिंग एंड से मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू या एंटीना के थ्रू हमने जैसे ही उसे ट्रांसमिट किया, तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन चैनल होगा उस चैनल के बिटवीन जो भी हमारा मैसेज ट्रेवल करेगा, उस दौरान उसमें जो भी अनवांटेड सिग्नल या नॉइज़ ऐड होंगे, उन सिग्नल के साथ जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसकी क्वालिटी को वो डिग्रेड कर देगा, उसकी क्वालिटी को कम कर देगा। तो ये हमारा नॉइज़ होता है। अब अगर जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, उस ओरिजिनल सिग्नल के साथ हमारा नॉइज़ी जो सिग्नल है या नॉइज़ है या अनवांटेड सिग्नल है वो अगर ऐड होता है तो हम उसे एडिटिव नॉइज़ कहते हैं। और अगर ये हमारा जो अनवांटेड सिग्नल या अनडिज़ायरेबल सिग्नल है वो हमारे ओरिजिनल सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम फेडिंग कहते हैं, या ये हमारा फेडिंग इफेक्ट कहलाता है। तो ये दोनों तरीके के इफेक्ट होते हैं जो हमारे नॉइज़ के साथ ऐड होने पर या मल्टीप्लाई होने पर क्रिएट होते हैं या उस ओरिजिनल सिग्नल को अफेक्टेड करते हैं। अब हम नॉइज़ की क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि नॉइज़ कितने टाइप का होता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज़ को मेनली उस सोर्स के बेस पर क्लासिफाइड किया जाता है जो उस नॉइज़ को जनरेट करता है। कम्युनिकेशन चैनल में सोर्स के बेस पर नॉइज़ दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल नॉइज़, एक इंटरनल नॉइज़। अब जो इंटरनल नॉइज़ है वो भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड है, एक नेचुरल नॉइज़ होता है, एक मैनमेड नॉइज़ होता है। जो मैनमेड नॉइज़ होता है उसी को हम इंडस्ट्रियल नॉइज़ भी बोलते हैं। अब जो हमारा नेचुरल नॉइज़ होता है वो भी दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक नॉइज़, सेकंड है एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज़। जो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज़ होता है वो भी दो भाग में विभाजित होता है या दो भाग में बटा हुआ होता है, एक होता है सोलर नॉइज़, एक होता है कॉस्मिक नॉइज़। तो ये हमारा पूरा एक्सटर्नल नॉइज़ हो गया। इंटरनल नॉइज़ है, इंटरनल नॉइज़ कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे थर्मल नॉइज़ को हम वाइट नॉइज़ और जॉनसन नॉइज़ भी बोलते हैं। सेकंड है इसका शॉर्ट नॉइज़, अगला है इसका ट्रांजिट टाइम नॉइज़, फिर है मिसेलियस इंटरनल नॉइज़। ये जो हमारा मिसेलियस इंटरनल नॉइज़ है ये भी दो टाइप का होता है, एक फ्लिकर नॉइज़ और एक पार्टीशन नॉइज़। नॉइज़ के इन टाइप के अलावा भी नॉइज़ और कई टाइप के भी होते हैं,
हम यहाँ पर मेनली इन्हीं टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे या इन्हीं पर फोकस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है इसमें एक्सटर्नल नॉइज़। फर्स्ट है हमारी एक्सटर्नल नॉइज़। ये नॉइज़ एक्सटर्नल सोर्स के कारण जनरेट होती है। ये भी दो प्रकार की होती है एक्सटर्नल नॉइज़ हमारी। क्या, एक तो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा या मैन मेड नॉइज या फिर कोई भी नेचुरल फेनोमिनास के कारण जनरेट हो रही होगी, तो उसे हम एक्सटर्नल नॉइज़ कहते हैं। अब ये जिस कारण से होगी ये उसके अकॉर्डिंग ये आगे भी क्लासिफाइड कर सकते हैं इसको, या आगे भी इसको हम डिवाइड करते हैं। तो जैसी फर्स्ट है इसका नेचुरल नॉइज़, वह नॉइज़ जो नेचुरल फेनोमिनास और एटमॉस्फेरिक एक्शंस के कारण जनरेट होती है वो हमारी नेचुरल नॉइज़ कहलाती है। नेचुरल फेनोमिनास मतलब कोई भी प्राकृतिक घटनाएं या कोई भी एटमॉस्फेरिक एक्शंस जिनके कारण नॉइज़ जनरेट हो सकती है वो सभी हमारी नेचुरल नॉइज़ कहलाती हैं। इसके अंदर ये भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक नॉइज़। तो एटमॉस्फेरिक एक्शंस और फॉल्स सुपीरियर सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जो ओरिजिनल सिग्नल के साथ ऐड हो जाते हैं और एटमॉस्फेरिक नॉइज़ का कारण बनते हैं। एटमॉस्फेरिक एक्शंस फॉल्स और सुपीरियर सिग्नल, फॉल्स या सुपीरियर सिग्नल का मतलब है एक तरीके से फर्जी या मतलब जाली सिग्नल, जाली बोलेंगे उसे, या फेल्स सिग्नल, फॉल्स सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ओरिजिनल सिग्नल के साथ ऐड हो जाते हैं। इन ऐड होने के कारण ये हमारे ओरिजिनल सिग्नल में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करते हैं। इस कारण हमारे जो भी ओरिजिनल सिग्नल है उसमें नॉइज क्रिएट हो जाती है या वो सिग्नल नॉइजी हो जाता है। थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग डिस्चार्ज एंड अदर नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के कारण भी एटमॉस्फेरिक नॉइज़ जनरेट होती है। थंडरस्टॉर्म मतलब आंधी या तूफान में जब अचानक तेज बिजली की आवाज़ होती है या लाइट, उसको हम लाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, उस कारण से भी हमारा जो उस टाइम पर भी जो हमारी सिग्नल में नॉइज़ जनरेट होती है उसे हम एटमॉस्फेरिक नॉइज़ कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट और भी है। लो एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड्स में लार्ज एटमॉस्फेरिक नॉइज़ जनरेट होती है, जबकि ये नॉइज़ VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड में नॉइज़ बहुत कम होती है। जो हमारे लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल या लो फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं या बैंडविड्थ होती है उसमें जो एटमॉस्फेरिक नॉइज़ होती है वो ज़्यादा क्रिएट होती है, जबकि हमारे जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड या अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं उसमें ये जो नॉइज़ होती है वो नेग्लिजिबल होती है या बहुत कम होती है। 30 MHz से एवव फ्रिक्वेंसी बैंड पर ये नॉइज़ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। मतलब जो हमारा सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है या उस सिग्नल की बैंडविड्थ है अगर वो 30 MHz से ज़्यादा है तो ये नॉइज़ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती उस सिग्नल्स के लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट है वो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़। इस टाइप की नॉइज़ सन और अदर स्पेस के कारण जनरेट होती है। इसको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है जो कि फर्स्ट है सोलर नॉइज़ और सेकंड है कॉस्मिक नॉइज़। जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ होती है वो या तो सन के कारण या सन के अलावा स्पेस में जो भी चीज़ें हैं या जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही हैं उन एक्टिविटी के कारण जो नॉइज़ जनरेट होगी वो हमारी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ कहलाती है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा सोलर नॉइज़। ये नॉइज़ सन से इमिट होने वाली हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण जनरेट होती है। चूँकि सन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की एक लार्ज बॉडी है जिसका सरफेस टेम्परेचर 66,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, इस टेम्परेचर पर इमिट होने वाली हाई एनर्जी रेडियो कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले वाइड फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में स्प्रेड हो जाती हैं और नॉइज़ का कारण बनती है। जो हमारा सन है वो उसका सरफेस टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर ये लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी को, या हम ये हीट एनर्जी है हम ये बोलें कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये इमिट करता है। उन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के कारण हमारा जो भी रेडियो कम्युनिकेशन का जो भी हमारा पाथ होगा उस पाथ में
यूज़ होने वाले सिग्नल की जो बैंडविड्थ होगी, ये फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा, ये नॉइज़ उसमें स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, जिस कारण वो सिग्नल नॉइजी हो जाता है। तो इसका इस प्रकार हमारा जो सोलर नॉइज़ है वो जनरेट होता है। इससे कुछ नोट्स हैं। फर्स्ट है, सन द्वारा प्रोड्यूस नॉइज़ की इंटेंसिटी टाइम के साथ वेरी होती है। सन के साथ जो भी हमारा जो भी सिग्नल नॉइजी होगा या इस टाइप की जो भी नॉइज़ है, इस द्वारा जो भी हमारा नॉइज़ जनरेट होगा उसकी इंटेंसिटी टाइम पर डिपेंड हुई, मतलब टाइम के साथ उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली वेरी होती रहेगी। सन की इंटेंसिटी सन एक 11 ईयर नॉइज़ रिपीटेड साइकिल होती है। सन में एक 11 ईयर नॉइज़ रिपीटिंग साइकिल होती है, मतलब 11 साल के बाद वो साइकिल रिपीट होती है। इस नॉइज़ साइकिल के पीक के ड्यूरिंग हाई अमाउंट में नॉइज़ प्रोड्यूस होती है जो रेडियो सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर करती है और उस इंटरफेयर के कारण जो हमारी कई फ्रिक्वेंसी बैंड्स होती हैं उनको ये अनयूजुअल बना देती है। अनयूजुअल मतलब कुछ ऐसी हमारी फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं जो उन इनको ये इतना अफेक्टेड करती है कि उनको हम अपने लिए हमारे लिए यूज़ करने लायक वो रहती नहीं है, या हम उसमें इतने डिस्टॉर्शन आ जाते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है वो कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो इस जब ये कब होता है, जब हमारा जो 11 ईयर नॉइज साइकिल है वो अपनी पीक पर होता है। पीक मतलब उसकी हाईएस्ट जो जब वो नॉइज़ क्रिएट कर सकता है, ये उस टाइम की बात है बात कर रहे हैं। अगला है हमारा कॉस्मिक नॉइज़। ये नॉइज़ आउटर स्पेस में प्रेजेंट स्टार्स से जनरेट होती है। बेसिकली ये नॉइज़ डिस्टेंस्ड स्टार्स के कारण जनरेट होती है। ये स्टार्स भी वेरी हाई टेम्परेचर बॉडीज़ होती है, ये भी नॉइज़ सोलर नॉइज़ के सिमिलर ही होती है। जो हमारी कॉस्मिक नॉइज़ होती है वो भी सोलर नॉइज़ के सिमिलर ही होती है। जो हमारा सन, जो हमारे स्टार्स हैं, तारे हैं, वो भी एक तरीके का सन ही है, वो भी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट होती है, और उस हीट के कारण या उस इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी वो इमिट करते हैं उसके कारण जो नॉइज़ जनरेट होती है उसे हम कॉस्मिक नॉइज़ कहते हैं। कॉस्मिक नॉइज़ केवल स्टार से ही नहीं बल्कि गैलेक्सीज एंड अदर वर्चुअल पॉइंट ऑफ सोर्सेस के कारण भी जनरेट होती है। इसे हम ब्लैक बॉडी नॉइज़ भी कहते हैं। तो ये हमारा कॉस्मिक नॉइज़ और सोलर नॉइज़ हो गया, जो कि हमारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ के अंदर थे। अब नेक्स्ट है हमारा मैनमेड नॉइज़। जो मैनमेड नॉइज़ होती है उसी को हम इंडस्ट्रियल नॉइज़ भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल नॉइज़ एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल नॉइज़ होती है जो कि ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट इग्निशन, इलेक्ट्रिकल मोटर एंड स्विच गियर, लीकेज फ्रॉम हाई वोल्टेज लाइन ETC सोर्सेस से प्रोड्यूस होती है। अब हम इसे मैनमेड नॉइज़ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी जो हमारी इक्विपमेंट या जो जितनी भी हमारी जो मशीन्स हैं, ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट इग्निशन, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, गियर स्विच, तो ये सब मेन मेड है और इन्हीं कारणों के कारण नॉइज़ जनरेट हो रही है, इसलिए हम इन्हें मैनमेड नॉइज़ कहते हैं। ये इन सभी सोर्सेस के द्वारा प्रोड्यूस होती है। जब ये हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स ऑपरेट होती हैं तब इनके आर्क डिस्चार्ज के ड्यूरिंग ये नॉइज़ जनरेट होती है। जब हम इन मोटर्स को ऑपरेट करते हैं या ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं तो इनके कारण ये जब इनका आर्क डिस्चार्ज होता है उस टाइम उस डिस्चार्ज के कारण जो नॉइज़ जनरेट होती है वो इंडस्ट्रियल नॉइज़ या मैनमेड नॉइज़ होती है। ये हमारा नॉइज़ का एक पोर्शन कम्प्लीट हो गया, जो कि था हमारा एक्सटर्नल नॉइज़। एक्सटर्नल नॉइज़ के बाद अब हमारा जो अगला टाइप है वो उसका है इंटरनल नॉइज़। तो इंटरनल नॉइज़ फंडामेंटल नॉइज़ है जो सिस्टम में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट द्वारा जनरेट होती है, जो निम्न प्रकार की होती है। जो इंटरनल, जो हमारी एक्सटर्नल नॉइज़ थी वो कोई भी जो भी हमारा मान के चलते कोई हमारा डिवाइस है, उस डिवाइस के सराउंडिंग जो भी किसी भी कारण से जनरेट हो रही है, मतलब उसके बाहरी कारणों से कोई भी नॉइज़ जनरेट हो रही है, तो वो हमारी कौन सी होगी, एक्सटर्नल नॉइज़। अब उसके अंदर जो इक्विपमेंट हैं या उसके अंदर जो भी हमारे पैसिव एलिमेंट्स या एक्टिव एलिमेंट्स या
कंपोनेंट्स जो भी लगे हुए हैं उनके कारण जो नॉइज़ जनरेट होगी उस नॉइज़ को हम इंटरनल नॉइज़ कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट है इसके अंदर हमारा थर्मल नॉइज़। इस प्रकार की नॉइज़ ऑल रेजिस्टेंसेस जैसे रजिस्टर, सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ रेजोनेंट सर्किट जो कि इम्पीडेंस का एक रियल पार्ट होता है, केवल ETC के कारण जनरेट होती है। थर्मल नॉइज़ हमारी किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंस में चेंजेस आ रहे होंगे, उन रेजिस्टेंस में चेंजेस के कारण जो हमारी नॉइज़ जनरेट होगी वो थर्मल नॉइज़ होगी। अब ये थर्मल नॉइज़ किसी भी कारण हो सकती है, जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो किसी भी कंपोनेंट में आ सकते हैं। जैसे हमारा रजिस्टर है उसके रजिस्टेंस में चेंजेस आ जाएँ, सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके रजिस्टेंस में चेंजेस आ जाएँ, या रेजोनेंस या कोई भी सर्किट है उसके इम्पीडेंस में कोई भी चेंजेस आ जाएँ, या केबल है उस केबल के रेजिस्टेंस में जो भी चेंजेस आए उनके कारण जो नॉइज़ जनरेट होगी वो सभी हमारी थर्मल नॉइज़ होती है। थर्मल इग्निशन के दौरान इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन कर रेंडमली मूवमेंट करते हैं, जिसके रिजल्टेंट वे आपस में कोलाइड करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, और ये प्रोड्यूस हीट थर्मल नॉइज के प्रोपोर्शनल होती है। जब थर्मल इग्निशन होता है तो उस टाइम पर जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को पाकर अचानक एक्साइटेड होने लगते हैं। एक्साइटेड होने के साथ साथ वो रेंडमली मूवमेंट करते हैं, उनके रेंडम मूवमेंट के कारण वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, और उस कोलाइड के कारण लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, और ये प्रोड्यूस हीट थर्मल नॉइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा थर्मल इग्निशन होगा उतने ज़्यादा वहाँ पर मॉलिक्यूल्स एनर्जी को लेकर आपस में रेंडमली मूवमेंट करेंगे, और उतना ज़्यादा वो कोलाइड करेंगे जिसके कारण वहाँ पर उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर थर्मल नॉइज़ जनरेट होगी। तो अभी इसमें एक नोट है, जो हमारा थर्मल नॉइज़ होता है उसी को हम वाइट नॉइज़ और जंक्शन नॉइज़ भी कहते हैं। थर्मल नॉइज़ टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है, जिसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा उसके रेजिस्टेंस की भी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये हमारा थर्मल नॉइज़ हो गया। थर्मल नॉइज़ में अब हम इसके आगे हम देखेंगे कि थर्मल नॉइज़ पावर क्या होती है। तो जो थर्मल नॉइज़ पावर है वो N इक्वल टू KTV होती है। अभी पावर है तो उसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। N क्या है हमारा थर्मल नॉइज़ पावर, K है बोल्ट्समैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन। जो टी है हमारा वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बी है वो हमारा बैंडविड्थ है, ठीक है। अब जो KT है, के और टी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं पावर स्पेक्चुअल डेंसिटी, जिसको हम एन नॉट से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर इस KT को हटाकर वहाँ पर N नोट लिख सकते हैं। तो हमारा थर्मल नॉइज़ पावर N इक्वल टू क्या होगा, N नॉट B, और इसकी यूनिट होगी वॉट। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा थर्मल नॉइज़। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है शॉर्ट नॉइज़। कम्युनिकेशन सिस्टम में डिवाइस के आउटपुट साइड में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के रेंडमली वेरिएशंस के कारण शॉर्ट नॉइज़ जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनमें अधिक सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, या सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ होता है उनमें शॉर्ट नॉइज़ जनरेट होती है। तो शॉर्ट नॉइज़ क्या होगी, हमारी जो इनपुट है, जैसे ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये इसका एमिटर है, ये इसका कलेक्टर है, ये इसका बेस है। तो हम डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में डिवाइस के आउटपुट साइड में इलेक्ट्रॉन एंड होल के रेंडमली वेरिएशंस के कारण शॉर्ट नॉइज़ जनरेट होती है। ये हमारा एमिटर है, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और कलेक्टर पर आके कलेक्ट होते हैं। तो जैसे यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन है वो
इस रीजन से इस रीजन में जा रहे हैं, तो मान के चलते यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो इनके यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में जो वेरिएशंस आएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि तीन में से कोई दो एट द टाइम पर पहुँचें, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इस रीजन से ट्रेवल कर रहे हैं और इस रीजन में जाने के बाद वो 4 हो जाएं, या यहाँ पर 3 है वो यहाँ पर 2 ही पहुँचें। यहाँ पर जो पी रीजन है हमारा, ये जो पी बैंड है, इस बैंड में वो फिर से रिकम्बाइन हो जाएं, या ऐसा हो सकता है यहाँ पर पहले से कोई इलेक्ट्रॉन या होल हो जो कि यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ 3 से ये 4 हो जाएं। तो ये रैंडम वेरिएशंस के कारण जो नॉइज़ हमारी जनरेट होती है वो शॉर्ट नॉइज़ होती है। ये हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में ज़्यादातर जनरेट होती है। तो इन्हें हम कई टेक्निक्स होती है सभी प्रकार की नॉइज़ को एलिमिनेट करने की, पर हम कम्प्लीटली किसी भी सिस्टम से नॉइज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिएंट टाइम नॉइज़। इस प्रकार की नॉइज़ ट्रांजिस्टर में प्रोड्यूस होती है। ये नॉइज़ तब प्रोड्यूस होती है जब चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करने में कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रांजिएंट टाइम हम किसे बोलते हैं? अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो कोई सिग्नल इनपुट से लेके आउटपुट तक ट्रेवल करने में उसे जितना भी टाइम पीरियड लगा वो उसका ट्रांजिएंट टाइम कहलाता है। तो जब किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में एक सिग्नल को इनपुट से, अब जो हमारे सिग्नल हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन या होल्स की फॉर्म में होंगे, क्योंकि ये हमारा ज़्यादातर ट्रांजिस्टर में प्रोड्यूस होता है ये नॉइज़, तो वहाँ पर क्या होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या होल्स होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन या होल्स का इनपुट से आउटपुट तक ट्रेवल करने में कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस कारण से ये जो ट्रांजिएंट इफ़ेक्ट है वो जनरेट हो जाता है। और इस इफ़ेक्ट के कारण जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है उसे हम ट्रांजिएंट टाइम नॉइज़ कहते हैं। इसे हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा नॉइज़ है ये लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में अवॉइडेबल होता है, मतलब ये लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में ये ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं डालता, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी जो एप्लीकेशंस होती है उन पर ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, इसलिए हम इसे हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है मिसेलियस इंटरनल नॉइज़। इस प्रकार की नॉइज़ इनपुट और आउटपुट में फ्लक्चुएशंस एंड कैरियर डेंसिटी में वेरिएशंस के कारण जनरेट होती है। ये भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है फ्लिकर नॉइज़। जो फ्लिकर नॉइज़ होती है, इस फ्लिकर नॉइज़ को ही हम पिंक नॉइज़ भी बोलते हैं। फ्लिकर नॉइज़ को लो फ्रिक्वेंसी नॉइज़ के रूप में भी जाना जाता है। ये जो हमारी फ्लिकर नॉइज़ है ये केवल लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में ही अफेक्टेड होती है, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में ये नेग्लिजिबल होती है, तो इसलिए हम इसको लो फ्रिक्वेंसी नॉइज़ भी बोलते हैं। ये कैरियर डेंसिटी में वेरिएशंस के कारण प्रोड्यूस होती है। इस वेरिएशन और फ्लक्चुएशन से मटेरियल की डेंसिटी में भी वेरी होती है, वेरिएशंस आते हैं। तो जैसे जैसे इसमें जो हमारी कैरियर डेंसिटी है उसमें वेरिएशंस आएंगे, उसी करस्पॉन्डिंग इसकी जो मटेरियल जो यूज़ हो रहा होगा, जो यूज़ होगा उस मटेरियल की कंडक्टिविटी में भी वेरिएशंस आते हैं। इसे मॉड्यूलेशन और पिंक नॉइज़ भी बोलते हैं। फिर हमारा अगला पार्टीशन नॉइज़। इस प्रकार की नॉइज़ कम्युनिकेशन सिस्टम में तब जनरेट होती है जब सिस्टम कई पाथ से कंसिस्ट होता है। कैरियर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ड्यूरेशन में करंट के पाथ में डिवाइड हो जाते हैं। कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो के ड्यूरेशन में करंट इन पाथ में डिवाइड हो जाता है, जिसके रिजल्टेंट डिवीजन में रैंडम फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस होते हैं, जिस कारण पार्टीशन नॉइज जनरेट होती है। पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन करना या बांटना। तो
इस प्रकार की नॉइज़ कब जनरेट होती है, जब हमारा जो इसके अंदर करंट या जो भी हमारा कैरियर सिग्नल है, या कैरियर सिग्नल नहीं सॉरी, जो भी हमारा करंट कैरिंग जो भी हमारा मीडिया है जैसे इलेक्ट्रॉन है या होल है, तो जब ये आगे जाके जितने पार्ट में डिवाइड होते जाते हैं उसके करस्पोंडिंग इसमें जो नॉइज़ होती है वो बढ़ती जाती है। तो जैसे हमारा ये डायोड है, तो ये जो नॉइज़ होती है वो डायोड में कम होती है जबकि ट्रांजिस्टर में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जैसे डायोड है, डायोड में ये यहाँ से हमारा सिग्नल या इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, इससे पास होते हुए यहाँ से पास हो गए, तो इसको कहीं भी ये डिवाइड नहीं हुई, तो ये डायोड में बहुत कम या ना के बराबर प्रोड्यूस होती है ये नॉइज़। जबकि ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में ये नॉइज़, ये हमारा क्या हो गया, एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो ये एमिटर बेस से होते हुए कलेक्टर पे हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में इस ये जो इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं उनका पाथ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उस कारण, उस पार्टीशन के कारण जो नॉइज़ जनरेट होती है उसे हम पार्टीशन नॉइज़ कहते हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज़ किस किस कारणों से और कितने प्रकार की जनरेट हो सकती है, इसके बारे में हमारी ये डिटेल वीडियो थी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।